मैं बल्कि मैं एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस के जो लीरा पे है उनके साथ, तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में। उतना ही जिम्मेदार है इस मुल्क की बर्बादी का और यहाँ तक पहुंचाने का। टाइगर बनाऊंगा, टाइगर क्या तुम टाइगर है? हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी के खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नयान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट। ये होती है कामयाब जो ममालिक होते हैं, कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है। इनके लिए कोई जाय पना नहीं है। राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं, उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे, और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बनाकर आए हैं। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है, 60 से उन्होंने मिराज तैयारे दिए थे 60s में, उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन, उनके साथ रिलेशनशिप है। अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं, उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे, और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि मैं एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस के जो लीरा पे है उनके साथ, तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, देखिए हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नयान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये एक जबरदस्त। तो सर उनकी टीम बहुत अच्छी है ना, इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि मेरे पास टीम है 200 लोगों की, लेकिन उनके पास 2 लोगों की टीम भी नहीं निकली, और अब इमरान खान नहीं, गलत कह रही आप, बुजदार साहब थे और उनके साथ पिंकी पीरनी थी, 2 आदमी तो थे उनके घर के, तो लेकिन ये कि हमारी टीम हवा में उड़ गई, बस जिस तरह हमारा कंट्री उड़ता जा रहा है इसी तरह हर चीज उड़ रही है, अफसोस के साथ है, यही है। मैं बल्कि किसी से ये पूछ रहा था, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की किताब के बारे में कल किसी से डिस्कस कर रहा था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजियस एग्जाम्पल्स दिए, जिस तरह उसमें से भी नेशनलिज्म झलक रहा है उनकी किताब से भी, अमेजिंग के सच एन अकॉम्प्लिश पर्सन वेंट टू जापान फॉर एजुकेशन, हिज वाइफ इज जापानीज एज वेल, लेकिन ही स्टिल हैज अ प्राइड इन इंडियन रिलीजन, अपने रिलीजन में, और इंडियन प्राइड है, और इस तरह के कई लोग हैं, तभी वो इस जगह पे पहुंचे हैं। Amazing story. और उसमें कई, they are very national, he has a tons of people, those are very committed nationalists. वरना इसके बगैर वो इस जगह पे पहुंच ना पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर चाइना की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि चाइना ने कहा है कि सी पैक के ऊपर दोबारा काम शुरू होगा, क्या वाकई में ये कभी कंप्लीट होगा या ये इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी रुक गया फिर शुरू कर दिया? नहीं, जब तक तो अमेरिका से पैसे आते रहेंगे, यूएई और सऊदी अरबिया से पैसे आते रहेंगे, तब तक तो आप नहीं छेड़ेंगे, यहां से कुछ जवाब देंगे, IMF वाले आपको तंग करें तो शायद उसके बाद आप उनकी तरफ चले जाएं। अभी हो सकता है वो अपने सीपैक के ऊपर कोई लाइटें शाइटें लगाने आ जाएं, कोई थोड़ी बहुत मरम्मत करने आ जाए जहां से कोई टूटी फूटी है, वरना आप जाते हैं उनके पास, आप डॉलर बड़ा है या युआन बड़ा है, आपको तो डॉलर चाहिए, और वो भी आप कहते कैश में दो, भाई कैश, कहते हम ऐसे नहीं कैश में लेंगे, और वो भी आप लेते हैं या अमेरिका में लेते हैं या दुबई में लेते हैं, आप तो किसी और जगह लेते ही नहीं, आप तो यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं कहता हूं आपको, मैं कई दफा डरता रहता हूं आरजू, आप कभी पाकिस्तानी पॉजिटिव तरीके से चलने लगे आप तो अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे,
यकीन करें, आप तो रोजाना चंद्रयान पे भेजे, रोजाना चंद्रयान निकाला करेंगे, एक सुबह जाया करेगा चंद्रयान, एक शाम को जाया करेगा, लेकिन नेगेटिव चल रहे हैं ना, क्या पता किसी वक्त यकलत काया पलट जाए, 25 करोड़ लोग सारे के सारे आप तो बिल गेट बन जाएंगे आप सारे। सर यहाँ पे तो टैक्स इतना चोरी करते हैं, आज मेरी चीमा साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पता नहीं कहाँ खाना खाने जाते हैं, तो वो बिल भी कच्चा बिल दे देता है उनको कि ये पे कर दें ताकि टैक्स ना देना पड़े, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का ये हाल है, तो सभी चोर बैठे हुए। सर आज बल्कि आपके FBR ने नई स्कीम निकाली है दुकानदारों से किस तरह टैक्स लेना है आज, लेकिन वो देखे ना खर्चे भी तो बहुत है ना, टोरंटो में देखे डॉलरों में खर्चे हैं, अमेरिका में बच्चे पढ़ रहे हैं, दुबई में रियालों में खर्चे हैं, आपका खून नहीं चूसेंगे तो बच्चे कैसे उनके वहां तरक्कियां करेंगे, घर बनेंगे, पढ़ेंगे, वहां शॉपिंग करनी होती है उन्होंने, तो आपको तो वो मार मार के, जिस तरह मैंने कहा ना लेबर कैंप है आपका, तो एक एक खून का हिसाब है उनके पास के, आपका कितना लीटर खून है, उनका कितना लीटर खून है, तो उस हिसाब से वो रेट बनता है ना आपका। टैक्स जो टैक्स कौन देता है पाकिस्तान में, टैक्स देने का रिवाज ही नहीं है उसकी वो उनसे। आप मुझे ये बताएं आपके पाकिस्तान सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्टीनेशनल फेल क्यों होती है, वजह यह है कि जब मल्टीनेशनल अमेरिकन या ब्रिटिश कंपनी को जाती है, जो उसका कंपटीशन होता है पाकिस्तानी, वो टैक्स नहीं दे रहा होता तो वो सस्ती चीजें बेच लेता है, वो मल्टीनेशनल 6 महीने के बाद वापस आ जाता है बैंकक्रप्ट होके। तो ये दर हकीकत आपको हर चीज का पता है लेकिन आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं है हम तरक्की करें, आप तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की टोरंटो में और दुबई में करना चाहते हैं, यही अलमी। तो सर आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता ना, जो बेचारा मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, ये जो अपर क्लास या जिनके पास पावर है वो तो सबके सब चोर हैं। आरजू एक लेबर कैंप के आसपास अगर बिजली की तारें हो तो लेबर कैंप के लोग क्या कर सकते हैं, आप वही वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो भागते हैं पैदल बेचारे भाग रहे हैं ईरान के रास्ते, टर्की जाते हैं, टर्की से आधे डूब जाते हैं, आधे ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं, देख लें आप ना, लेबर कैंपों के अंदर से तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन को अयोध्या का मिनिएचर वर्जन गिफ्ट किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें गिफ्ट पा करके फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने भी इसकी काफी ज्यादा बड़ाई बताई और कहा कि काफी अच्छा काम है जो आपने किया है। वहीं दूसरी तरफ यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता की जल के राख हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां पे वो हमेशा यह कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिरा करके राम मंदिर बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जब इसी की बड़ाई कोई और राजनेता कर रहा है जो भारत से बाहर का है तो उनकी काफी ज्यादा जली हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सबको तो काफी ज्यादा आनंद आया राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे, वहीं पाकिस्तानियों की एकदम जल के राख हो गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।